दिल्ली के रामलीला मैदान में आपके साथ साथ अलायंस के कुछ पंजाब से भी नेता लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि 31 मार्च को दिल्ली में इंडिया अलायंस की महारैली होने जा रही है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, हरमीत सिंह जी। हरमीत जी, क्या कुछ कहेंगे, जो भी सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, उसके साथ ही कैलाश गहलोत जी को भी समन जारी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो मोदी सरकार ये कर रही है, इससे लोगों का मन इनसे दूर ही जा रहा है, इनके पक्ष में नहीं जा रहा। जो बड़े बड़े घोटाले, जैसे कोड़ा घोटाला, बड़े बड़े जो घोटाले वाले थे, वो लोग तो बाहर फिर रहे हैं। जो केजरीवाल, जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, किसी कहाँ कहीं भी उनके सैन नहीं है, उनको अरेस्ट करने का वैसे मतलब ही नहीं बनता। कोई सीएम को आज कोई अरेस्ट कर लेगा तो दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एमएलए, मंत्री, एमपी की क्या वैल्यू रह जाएगी जब कोई सीएम को अरेस्ट कर लेगा। फिर कोई बंदे की गलती हो, सिर्फ गलती ये भी बहुत कम समय में ये पार्टी उभर के आगे आ गई। इनको ये लगता है भी केजरीवाल ही है जो इसको, मोदी जी को आगे से को टक्कर दे सकता है, और कोई लीडर इनको दिख नहीं रहा। आज जो इंडिया अलायंस हुआ है, उनको यह है भी जितने भी सीएम हैं उनको दबाया जाए, उन पार्टियों को, लीडरों को दबाया जाए जो मनोबल लोगों का टूटे। लेकिन मेरे को ये लगता है भी ये उल्टी गिनती इन्होंने अब शुरू करनी पड़ेगी। इनको आज का जो माहौल है वो इंडिया अलायंस का चल रहा है, लोगों को लग रहा है भी ये हमने हिंदुस्तान को, इंडिया को बचाना है तो हमको इनसे दूर ही जाना पड़ेगा। आज जो भाजपा लोगों के साथ धक्का कर रही है, किसी के पास ईडी भेज दी, किसी लीडर के पास कुछ भेज दिया, किसी को फंसाना हो फिर तो 100 चक्रव्यूह बना लेता आदमी। ये जो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी की तरफ से लगातार समन भेजे गए अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले को लेकर, और क्या लगता है कि जो सिनेरियो दिल्ली में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है? ये सब जगह कर रहे हैं, कोई ये नहीं पंजाब में कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कोई कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इनको लगता है कोई उल्ट पार्टी हमारे ऊपर अंगेस्ट है पार्टी, वहाँ सब जगह यही कुछ चल रहा है। और ये लोगों के मन में जो भाजपा के लिए थोड़ा बना था, बे इन्होंने राम मंदिर बनाया भी, इनको वोट डालनी चाहिए, उसको इन्होंने खुद पे खुद ये दूर कर रहे हैं। उनको भी ये धक्के से राजनीति करना चाहते हैं। धक्का कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं, खास करके पंजाब में तो कोई भी किसी का धक्का चला नहीं। बड़े बड़े औरंगजेब का मुंह मोड़ दिया, सिकंदर का मुंह मोड़ दिया, ये तो कुछ भी नहीं है बात। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई भी आदमी धक्के से कुछ नहीं कर सकता, प्यार से इनकी जान ले लो, लेकिन जब कोई हमारे लीडर के साथ धक्का करेगा उसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक और सवाल मेरा है कि कोई इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे बीजेपी को लेकर, कि चंदा बीजेपी को भी मिला है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को भी एक नोटिस जारी किया है 18,000 करोड़ के चंदे को लेकर। चंदा तो हर पार्टी को ही मिलता है, लेकिन कोई शो ज़्यादा करता है कोई कम। बीजेपी ने तो जो आपने देखा होगा, जो इन्होंने फर्में बना दिखाई हैं, भी इस फर्म ने हमको कई तो फर्में नहीं हैं, डुप्लीकेट फर्मों के साथ ही चंदा शो कर दिया भी इस पार्टी ने हमको इतना चंदा दिया है। ये बहुत जल्दी ये घोटाले इनके सब के सामने आ जाएंगे, जब सरकार बदलेगी ये सारा सिस्टम, आपको सब सिनेरियो जो क्लियर हो जाएगा भी किसने क्या क्या किया है। तो हरमीत सिंह जी हमारे साथ थे, विधायक हैं आपसे, और इनका साफ तौर पर कहना है कि घोटाले लगातार आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, ईडी समन ईडी नहीं भेज रही है, बल्कि जो समन जारी किए जा रहे हैं वो बीजेपी सरकार की तरफ से की जा रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।